दोस्तों भारतीय टीम ने बांग्लादेश से सेकंड टेस्ट मैच जीत लिया है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के ऊपर 50 करोड़ का जुर्माना भी लग गया। बांग्लादेश की टीम ने कर दी थी ऐसी गलती जिसके बाद उन्हें अब ये भुगतना पड़ेगा। दोस्तों अगर आखिरकार आप भी जानना चाहते हैं इस खबर को विस्तार से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों पिछले 4 दिनों से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में सेकंड टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फाइनली दोस्तों अब उसका नतीजा आ चुका है। भारत की टीम ने बांग्लादेश को पूरे 3 विकेट से हरा चुकी है। दोस्तों शुरुआत में लग रहा था कि टीम इंडिया ये मैच हार जाएगी, लेकिन बाद में आर अश्विन ने शानदार पारी खेली और टीम इंडिया को ये हारा हुआ मैच जिता दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की टीम ने 75 रन पर भारतीय टीम के 7 विकेट गिरा दिए। वहां से ये मैच बांग्लादेश की तरफ 75% पहुँच गया था, लेकिन फिर श्रेयस अय्यर और आर अश्विन की जोड़ी टिकती है। ये जोड़ी बांग्लादेश की टीम को बहाल कर देती है। खासकर आर अश्विन ने इस मैच को जिताने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश ये मैच हारने के बाद उसके ऊपर अब 50 करोड़ का जुर्माना भी लग चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब विराट कोहली आउट हुए थे तो बांग्लादेश के खिलाड़ी ने विराट कोहली को चिढ़ाया था। इसके बाद विराट कोहली भी उस बांग्लादेश खिलाड़ी के ऊपर गुस्सा हो गए थे। दोस्तों उस बीच बांग्लादेश का जो खिलाड़ी था काफी ही ज्यादा पोक कर रहा था। दोस्तों ये जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी ये बांग्लादेश के खिलाड़ी की तरफ से हुई थी। दोस्तों ये लड़ाई का सिलसिला पहले मैच से ही चालू है। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाड़ी द्वारा ऐसी हरकत किए जाने पर कुछ क्रिकेट फैन का कहना है कि बांग्लादेश के ऊपर इसके लिए जुर्माना लगाना चाहिए।